मुजफ्फरनगर के सदर विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी परवेज आलम ने सहावली गांव में जनसंपर्क किया। विनर्दो जी केतली का चल रहा है तगड़ा जोर शोर से प्रचार सरसार प्रचार प्रसार तगड़ा हो रहा केतली वाले का। हाँ जी सपा ने तो नाशी मार दिया यहाँ का यूपी का, तो ये तो आनी नहीं चाहिए। गुंडों सरकार है, गुंडों की सरकार है सपा है। भाजपा ने ऐसा काम बढ़िया कर रखा है, ऐसी बात नहीं। भाजपा ने क्या काम काम गुंडागर्दी खत्म होगी, लोगों को राशन वितरण हो रहा है बढ़िया, लोगों के रोजगार खत्म हो गए, इससे बढ़िया काम और क्या चाहिए। किसी को रोजगार नहीं, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी का तो ऐसी बात है, स्कूल जो जो मेहनत करेगा सक्सेस उसे ही मिलेगी, ये तो है नहीं। चाहे भाजपा हो चाहे कोई सी भी सरकार आ जाओ, अब बिना मेहनत के कहे हमें पद मिल जाओ तो कहाँ मिल रहा है। मेहनत कोई करना नहीं चाहता, हाँ मेहनत करेगा तो भाई इसमें लोगों से लाभ तो कुछ है नहीं भाई। इन्होंने तो है ना गरीबों को जो है ना 3 साल से तुम्हें पता ही है कोरोना में क्या हाल कर रखा, ना रोजगार है ना काम है ना लोगों की युवाओं की नौकरी है। ठाक है ये राशन दे रहे हैं बस, राशन राशन के भरोसे लोग बाग जो है ना कुछ लोग ना गीत गा रहे हैं कहने लगे हाँ बीजेपी राशन दे रही है। अकेले राशन राशन से थोड़ी ना आदमी की ज़िंदगी कटने वाली है। युवाओं का पढ़ाई लिखाई नहीं है, कुछ नहीं है, सारे स्कूल जो है ना ख़त्म पड़े हैं, टीचर आते हैं साइन मारते हैं चले जाते हैं, पढ़ाई सरकार स्कूल में है नहीं, प्राइवेट स्कूलों में फीस ज़्यादा है, गरीब आदमी का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। यहाँ से तो जी फिलहाल तो यही केतली का हिसाब चल रहा है भाई, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को वोट दी जाएगी, यहाँ तो पूरा गांव जो है ना उन्हीं सपोर्ट कर रहा। कितने मतों से बस ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पूरी कोशिश यही रहेगी, भारी से भारी मतों में जो है ना केतली को जिता कर भेजना आपकी बात को। और इस पर है मतलब केतली वाले भाई विश्वास कर इसलिए कह दिया चंद्रशेखर रावण लड़ाई लड़ रहा, तो जो हमारी करेगा हम उसकी करेंगे। हाँ पहले भी आते रहे थे ये तो मतलब कई साल से जुड़ रहे जी, पुराना विधायक तो यहाँ से अभी एक आया जो आया कपिल, और इससे किसी ने बात नहीं करी। बिल्कुल बताऊंगा जी, मेरा तो छोटा सा गांव है भिक्की और पूरे गांव की मुझे जानकारी, कपिल ने यहाँ से कोई भी 2 रुपये का काम नहीं करा। अच्छा और से मालूम कर लो गाँव में नहीं, पुष्पांकर ने कुछ काम करा यहाँ से। फिर दूसरी बात हमारे गांव का भी है वो, पर पार्टी तो डूब रही, जब उसकी बिरादरी साथ नहीं लगे तो हम उसके साथ कैसे लगेंगे।